দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে। हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूं रोनी, तरफ सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम्ब कनेक्शन पर। फाइनली मैं आप लोगों के सजेशन के साथ आ गया हूं और गाने का नाम है कितनी सदियां, नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 4 एपिसोड 8। और ये बहुत दिन से आप लोगों ने सजेस्ट किया है, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से मैं सजेस्ट रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट दिस सॉन्ग इज अबाउट। और हाँ, इससे पहले कि मैं रिएक्शन में जाऊँ, आप लोगों के अनाउंसमेंट है, अब से मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही पाकिस्तानी सजेशंस पे रिएक्ट करूंगा। तो दो नहीं बल्कि तीन तीन सजेशंस पे करूंगा, दैट इज अ गुड न्यूज। और सेकेंडली, संडे को आपसे कोई सजेशन पे रिएक्ट नहीं किया जाएगा, आपसे सिर्फ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के लिए। तो प्लीज गाइस, आपके सजेशंस डालते रहिए और मैं रिएक्शन करता रहूंगा। तो या सो या, लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन। आई एम रियली एक्साइटेड। इन 3, 2, 1 एंड गो। A tribute to Faraz Anwar, vocalist, guitarist, and songwriter. Okay. उन्होंने ये मेनली गाया था। Lot of singers. मैं सभी मेल और फीमेल सिंगर्स को इससे पहले देखा है। लव मी अगेन, गोरख धंधा, गोरख धंधा, कमीज तेरी कली, कमीज तेरी काली, सॉरी। This is already one of my favorites. Beautiful song. Oh, the instruments. I love the instruments. एक है रंग जो ये संसार सारा रोशन करे। वाह। कोई हो संग, कोई हो प्यार, प्यारा जीवन लगे। रास्ते कठिन ये छोटी छोटी खुशियाँ जिस्म और जा, एक दिन तो होना है, होना रहे।
आई फील लाइक मुझे गाना चाहिए इन लोगों के साथ, यू नो इतना अच्छा लग रहा है सुनने को, एक साथ सब मिलकर गा रहे हैं। बेस्ट बात है कि एक एक सिंगर अपनी अपनी वॉइस की क्वालिटी दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई इनकी परफेक्ट एक जन ही गा रहे हैं, सभी लोग गा रहे हैं। Here he is, Faraz Anwar. Oh, people are true. This is so amazing. सब लोग इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, वो लोग खुद है शामिल इनके बीच में। He must be a very legendary singer. Beautiful guitar work. Kitni sadiyan na jaane. Wow. जब तक सांस रहे गूज़बम्स आ गए यार मुझे सनक से। कहता है ना ओरिजिनल इज द ओरिजिनल। एक बार उन्होंने गाया और सब कुछ चेंज हो गया, उनकी आवाज में वो जो जादू है ना, हैट्स ऑफ गाइस, दिल को जाकर छूती है अचानक से, यू नो। Very awesome. That was a beautiful song. हमेशा जब भी मैं नेस्कैफे बेसमेंट के गाने सुनता हूँ, एक अलग सी फीलिंग आती है, नो? It's a different kind of setting all of a sudden. मतलब usually आप अगर देखें तो मैं usually कोक स्टूडियो के गाने को बहुत याद करता हूँ, तो इनका जो सेटिंग होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है।
इसके बेसमेंट का जो सेटिंग है वो डिफरेंट हो गई, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। सेम एंड यूज होने के बावजूद डिफरेंट टाइप की सेटिंग है और यू नो एक रॉ वाली फीलिंग आती है जब इसके बेसमेंट के गाने अपने अपनी यू नो गायकी का पेश कर रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था, सभी के वॉइस इतने यूनिक और इतने डिफरेंट है और बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लेंड हुए एक दूसरे के साथ, यू नो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो रॉकस्टार की आवाज़ हो या फिर क्लासिकल म्यूजिक हो, एक एक जन की आवाज़ एक दूसरे से पूरी अलग थी, लेकिन कितनी यूनिसन में थी और कितनी सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। आपको तो पता ही है, आपने सुनाई है, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। लेकिन आखिर में जब फराज अनवर जब खुद उन्होंने गाया, आई एक्चुअली गॉट चिल्स, मेरा रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनकी वॉइस में वो बात है, डोंट नो, इट जस्ट स्टक मी, थी सीधा कर दिल को लगा। और एक ओरिजिनलिटी होती है ना, जो ओरिजिनल सिंगर की वॉइस होती है उसमें कुछ आवाज़ होती है, कुछ बात होती है, वो चीज़ निखर के बाहर आया। और आई डोंट नो, बहुत ही कम उन्होंने गाया, लेकिन जितना गाया परफेक्ट, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल रेंडिशन, ब्यूटीफुल यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, गायकी, हर एक सिंगर की आवाज़ बहुत ही बेहतरीन थी। और ओवरऑल आई लव द सॉन्ग, लव द सॉन्ग, सो डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, याद रखता हूँ आपको। Well guys, that was my reaction and thoughts about Kitni Saadiyan from NESCAFE Basement Season 4 Episode 8. अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपके सारे सजेशंस और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए 5,000 सब्सक्राइबर मार्क पहुँचने के लिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ बेल बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आप लोगों को दोबारा इसी दिन इसी वक्त इसी जगह मिलूंगा, तब तक के लिए